बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार आ रही हूँ सेट पर, इतना कमाल का वेलकम मिला। एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है अभी इस वेलकम के बाद। सब डांस कर रहे थे और सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो आपने देखा ही, खुद ही देखा कि इतना कमाल का वेलकम था। सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। जैसे आते के साथ काफ़ी रंगों में रंग गई हैं। होली आने वाली है तो बुरा न मानो होली है, तो सिमर के भी रंग में रंगना है। भरद्वाज फैमिली ने आज अपने रंग में रंग ही दिया है, तो होली की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे सिमर का कैरेक्टर देखा तो बहुत ही पुराना है, और अब इसे आपको निभाना, तो मतलब कितनी नर्वस है, क्या कितनी एक्साइटेड है इसमें? डेफिनेटली थोड़ी सी नर्वस एनर्जी तो है ही, क्योंकि दीपिका ने बहुत अच्छा काम किया था और जो कैरेक्टर निभाया उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। तो अब उसमें सिमर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अपनाने में और उसको दिमाग में रखते हुए काम करना है, सीखना है, और बहुत सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए, और माता रानी का आशीर्वाद है तो अच्छा ही होगा। वैसे देखा गया कि माता जी से आप काफ़ी पहले से ही जुड़ी हुई है, जैसे उन्होंने कहा कि 6 सालों से सिमर की कहानी आप सुनते जा रही है, और परिवार को भी आज देख ही लिया है, उनके साथ मिल गई, तो कैसा भारद्वाज लगा? परिवार की कहानियाँ मैं 6 साल से सुन रही हूँ, क्योंकि जैती बहुत अच्छी दोस्त है और फैमिली से, मतलब फैमिली जैसे हम लोग, जैती और हम, और उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है, आदर्श जी, फिर स्नेहल, तो लोगों को, कुछ लोगों को पहले से जानती थी और जिन लोगों को आज पहली बार मिली उन्होंने भी बहुत जल्दी बहुत सारा प्यार दे दिया, तो आई एम एक्साइटेड। जैसे आपने काफ़ी डिस्टेंस लिया है टीवी पे आने के लिए, और उसके बाद आप टीवी पे आए हैं, तो जो अपने जुड़े फैन से क्या कहना चाहिए? मैं अपने फैन से ये कहना चाहती हूँ कि आई एम बैक एंड आई एम हियर टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सो कीप वॉचिंग ससुराल सिमर का ऑन कलर्स। थैंक यू। थैंक यू भाई। सो फाइनली आज क्या कहें, आज क्या ट्विस्ट एंड टर्न भारद्वाज फैमिली में आया है? ट्विस्ट एंड टर्न ऐसा कुछ नहीं है, बट होली है, सो बहुत, मतलब इट्स लाइक अ न्यू डे, तो माता जी एंड आई वी हैव अ वेरी क्यूट कॉन्वर्जेशन, एंड वो इतनी ज़्यादा क्यूट है कि फॉर रियल ऑल्सो यू नो दैट स्माइल इज़ नॉट गोइंग ऑफ माई फेस। तो फिर वो कहती हैं कि चलो हम, एंड यू नो माता रानी के सामने वो जाके मतलब आशीर्वाद लेती हैं, देन शी सेज़ कि चलो अब यू नो एवरीथिंग शुड बी फाइन। अभी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं हम लोग जब होली सेलिब्रेट करेंगे, एंड होलिका थी तो होलिका के टाइम बहुत से मतलब गूफ अप्स हुए हैं, एंड लिटरली मेरी जान जाते जाते बची है, पीयूष ने लेकिन बचा लिया इन टाइम, एंड मतलब दैट मोमेंट वॉज ऑल्सो वेरी स्पेशल कि मतलब हाँ ठीक है इतना कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आई थिंक अभी भी मतलब